नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज का डोज जीके बूस्टर प्रोग्राम में आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बौद्ध संगीतियाँ। ये आप लोगों को पता ही होगा कि बौद्ध संगीतियाँ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर विभिन्न परीक्षाओं में अमूमन प्रश्न देखे जाते हैं, और इसमें बच्चों को लगभग ये थोड़ा बहुत याद भी होता है, परंतु इसमें कुछ एक कन्फ्यूजन्स होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते टाइप के लगते हैं और ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्रथम में कौन था, द्वितीय में कौन था, ऐसे थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती रहती है। जब ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन की संभावना एकदम नगण्य होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं कुछ एक ऐसे लिंक बैठा करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली जो बौद्ध संगीति हुई, पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो हुई 483 BC में। BC मतलब आपको पता है ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व यानी आप जानते हैं कि जीरो के जो पहले वाला था, ईसा पूर्व जो था वो उल्टा चलता है, तो यानी 483 के 100 साल बाद जो है वो 383 आएगा। ये हम लोग हिस्ट्री की क्लास में विस्तार से समझेंगे। ये अभी ये समझिए कि 483 के बाद 383 है, तो ये द्वितीय हो जाएगी, दूसरी बौद्ध संगीति। उसके बाद देखिए 247 ईसा पूर्व आएगा, तो ऐसे करके उसके बाद देखिए पहली सदी आएगी ईस्वी, ये ईस्वी है और ये सब ईसा पूर्व हैं, ईसा पूर्व। तो पहली जो हमारी बौद्ध संगीति हुई वो हुई 483 ईसा पूर्व में। ये दरअसल वही साल था जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो बुद्ध की मृत्यु जो हुई वो 483 ईसा पूर्व में ही हुई, और उन्हीं की याद में जो है पहली बौद्ध संगीति हुई 483 ईसा पूर्व में। उसके 100 साल बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो इसमें जो प्रथम बौद्ध संगीति थी वो देखिए राजगृह में हुई थी। इसको याद करने का हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इधर मैं लिख देता हूँ, जैसे राजशाही होता है वैसे ही हमने राजशाली पाली कुली ऐसे करके बना लिया कि राजशाही होता है राजशाही राजशाली पाली कुली। तो यानी राजगृह, राज से हो जाएगा आपका राजगृह, जहाँ पे पहली ये हुई। दूसरी जो हुई वो हुई वैशाली से, यहाँ पे राज ले लिया तो राजशाही राजशाली, और ये यहाँ पे शाली का मतलब वैशाली हो गया, ठीक है। तीसरी जो हुई वो हुई पाली से यानी पाटलिपुत्र से, ये पाटलिपुत्र से हुई। और चौथी जो हुई वो कुली, यानी ये कू और एल से ले लिए, तो ये कुली जो है ये हो गया, ये हो गया कुंडलवन। कुंडलवन जो है कश्मीर का एरिया था, वो कनिष्क के टाइम पे होती है, तो कुंडलवन कश्मीर में ये चौथी बौद्ध संगीति हुई। पाली उससे पहले आता है, पाली मतलब पाटलिपुत्र, कुंडलवन पाटलिपुत्र, उसके पहले वैशाली और उसके पहले ये राजगृह। तो ये जो है हमारी चार जो बौद्ध संगीति हुई कहाँ कहाँ पे हुई उसको ये याद करने की आप ऐसे ट्रिक समझ सकते हैं। वैसे याद भी होगा आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा जब तैयारी शुरू करता है तभी इसको याद करता है, परंतु कन्फ्यूजन हमेशा बनी रहती है। हम लोग भी आजकल, मतलब हम लोग भी आज तक कभी ना कभी इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो क्योंकि ये रटने वाली चीज़ है, तो आप इसको कोई ऐसी ट्रिक विकसित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो इसका वर्ष था, तो प्रश्न इस पे सारे पे बनते हैं, जितनी चीज़ें आप लिखी हैं हर एक पे प्रश्न बनते हैं। इस पे ये भी प्रश्न बनता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो किस वर्ष में हुई, तृतीय का कौन अध्यक्ष था और उसमें जो है कौन उस समय में शासक था, किसके शासक के संरक्षण में हुई, ये सारे प्रश्न इसमें कई कई बार बन चुके हैं और हर लेवल की परीक्षाओं में बनते हैं, ग्रुप डी से लेकर के और सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न बनते हैं, तो इसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए जो द्वितीय, ये जो अब वर्षों की बात करें, तो पहला जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल हुआ राजगृह में, और ये जो है 483 ईसा पूर्व में। उसके 100 साल बाद जो है हम लोग देखते हैं कि ये 383 ईसा पूर्व में ये जो है द्वितीय हुई, और उसके जो है आप देखिए कि ये 247 जो है इसमें कोई खास ऐसा लिंक तो नहीं बन रहा है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि 247 में आप तीन जोड़िए, 247 में आप तीन जोड़ेंगे 250 हो जाएगा, 250 में आप फिर जो है 30 जोड़िए तो ये हो जाएगा 280, फिर तीन जोड़िए तो 283 हो जाएगा, और फिर जो है ये 100 जोड़िए, तो मतलब ये अगर आप समझ लीजिए कि जैसे आप 100 घटा रहे थे
मतलब 100-100 जो है साल आगे के बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे 283 ना होके बल्कि उसमें 3+30+3 ऐसे करके 247 पे पहुँचा जा सकता है। ये रीजनिंग की ट्रिक है सामान्य सी, जिसके आधार पे आप कुछ याद करने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी ना लगे, पर जब आपका MCQ टाइप प्रश्न आएगा जिसमें आपको ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे तो आप थोड़ा बहुत ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ तो लिंक बैठा ही सकते हैं प्रश्न गलत करने के बजाय। उसके बाद चौथी वाली जो बौद्ध संगीत हुई उसका हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं पता चलता है। ये जो है 1st शताब्दी ईस्वी में हुई, और वैसे कनिष्क के शासनकाल में हुई, तो मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि जो लेटर ऑन वाला 1st AD का फेज है उसमें हुआ होगा, यानी ईसा प्रथम शताब्दी, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी के अंतिम दौर वाला, जो क्योंकि 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी संभाला था तो उसके बाद ही हुआ होगा। चलिए अब उसके अगला जो हम लोग देखते हैं कि ये शासक जो है उस समय में कौन थे। तो यानी प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, इनमें शासक कौन थे, इस पर अगर बात करें तो देखिए इसका एक जो है ट्रिक हो सकती है। आप लोग वैसे AK AK भी कर सकते हैं, और दूसरा आप अका अक, जैसे खाना वाना खाते हैं ना भका भक करके या कुछ भी ऐसा, तो वैसे ही आप अका अक कर सकते हैं इसको। तो अका अक ये आपके लिए इसलिए बेटर है क्योंकि ऐसे AK AK में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है। तो देखिए पहला जो था शासक वो था अजातशत्रु, पहला शासक था अजातशत्रु। ये किस वंश का था, तो ये था हर्यक वंश का। अब देखिए अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई जो है शत्रु ही न जन्मा हो, मतलब अजन्मा शत्रु, अजात शत्रु, ऐसे जो है ये आपके उसमें भी पूछ लिया जाता है वाक्यांश के लिए, एक शब्द हिंदी में भी पूछा जाता है। तो अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका शत्रु ही न जन्मा हो। और ये भाई साहब का जो नाम था, ये सोचिए ये एक ऐसे वंश थे जो कि हत्यारा वंश, यानी हर्यक हत्यारा से बना है कि हत्यारा वंश कहा जाता है, मतलब जो अपने पिता को मार करके गद्दी प्राप्त करता था ऐसा वंश। तो इनका नाम सोचिए अजात शत्रु है, जिसका शत्रु ही नहीं है और अपने बाप ही को मार रहे थे। तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हैं कि ये किस वंश से रिलेटेड थे, ये भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा जो था, दूसरा वो अका का से आपका हो गया कालाशोक। तो देखिए कालाशोक जो था वो था शिशुनाग वंश से, और काला जो है काला से आप याद कर सकते हैं नाग, तो काला से आप नाग में सिमिलरिटी बना सकते हैं कि काला नाग होता है, ठीक है। तो काला अशोक शिशुनाग, तीसरा जो है वो अशोक, और ये मौर्य वंश से था, इसमें तो कोई ट्रिक चाहिए ही नहीं क्योंकि ये प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप सभी लोग पढ़ते ही हैं और बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे अगेन पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग रोज का डोज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अशोक जो है वो मौर्य वंश से रिलेटेड है, इसके समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र में, जो कि अशोक की राजधानी थी। उसके बाद देखिए चौथा जो हुआ वो कनिष्क के समय पे हुआ, और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक था। देखिए ये कुंडलवन में के से कुंडलवन हो जाएगा, के से कश्मीर हो जाएगा, कुंडलवन में कश्मीर है, तो के से कुंडलवन, का से कश्मीर, का से कनिष्क, और का से कुषाण। तो इस तरीके से आप इसको एक जो ये आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका शासक कौन से थे, किस वंश से थे। उसके बाद देखिए हम लोग लास्ट एक आ जाता है कि इनमें अध्यक्ष कौन था। तो प्रथम बौद्ध संगीति में कौन अध्यक्ष था, तो महाकश्यप था। महाकश्यप ये दरअसल पाली भाषा का शब्द है, तो महाकश्यप वो महाकश्यप से बना है, तो महाकश्यप जो है वो आपका अध्यक्ष था। इसको याद करने के लिए हम लोग एक ऐसी मतलब समझ सकते हैं कि ये जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु मतलब जिसका कभी कोई शत्रु ही ना जन्मा हो, ठीक है। तो जिसका कभी कोई शत्रु ही ना जन्मा हो तो मतलब इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती होती होगी। तो दोस्ती इसकी क्यों होती होगी, क्योंकि ये जितने भी इसके सब दोस्त थे उनको ये जो महा और ये कश्यप में कप उठा लिए, तो महाकप, तो इसको आप लिख लीजिए कि ये महाकप जो है, जैसे आप देखते होंगे कि वो गन्ने का जूस हो गया, कोई भी जूस वगैरह हो गया, तो महाकप उसका महागिलास मिलता है, छोटा गिलास बड़ा गिलास ऐसे करके मिलता है, तो एक उसमें महागिलास रहता है, पता नहीं कितना बड़ा होता है। तो वो जो है उससे आप याद कर सकते हैं कि ये जो अजात शत्रु था इसके दरअसल इसीलिए इतने ज़्यादा दोस्त थे क्योंकि ये सबको फ्री में ऐसे जूस पिलवाया करता था, महाकप वाला जूस, मतलब एक्स्ट्रा लार्ज वाला जूस जो है वो पिलवाया करता था। तो इससे आप कुछ एक ऐसा ट्रिक समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए कालाशोक, तो कालाशोक शिशुनाग वंश का था, और ये इसमें आता है सबकामी, ठीक है।
तो अब इसमें ये देखिए कि इसमें आप कोई अगर ट्रिक विकसित करना हो तो अब जैसे मान लीजिए कि इसको आप ऐसे भी विकसित कर सकते हैं कि ये जो इनकी साली थी, काला शोक की जो साली थी, इनको ये जो है अप्रोच करना चाहते थे, ठीक है। तो इनको अप्रोच करना चाहते थे मगर ये जो है चूँकि काला नाग थे तो इसलिए इनका सब काम चौपट हो जाता था। तो इसको आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि ये अपनी साली को जो है मतलब फ्लर्ट करते थे और अप्रोच करना चाहते थे तो लेकिन वो जो है काला नाग थे इसलिए इनका सब काम चौपट हो जाता था। अब यहाँ पर ये ना सोचिए मैं कोई रंग भेदी कमेंट कर रहा हूँ, मैं जो है केवल आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आप लोग पेपर में इसको याद कर सकें। और ट्रिक्स जो है ज़्यादातर पहले दिमाग में ऐसी ही आती हैं जो खुराफाती होती है, हम सबके दिमाग की वो आदत है तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए उसके अगला देखते हैं कि पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में अशोक जो है उनकी राजधानी थी, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुई और अशोक के समय में जो है ये देखिए इसको हम लोग मोगली से समझ सकते हैं। मोगली आपको पता है कि जो मोगली जो भी देखते थे बच्चे मोगली देखते हैं तो वो उसकी अशोक मतलब उनको कोई शोक नहीं रहता है, यानी शोक नहीं रहता है मतलब बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे अशोक बनाए शोक ना होने से, अशोक का मतलब अ और प्लस शोक, तो शोक नहीं यानी कि बहुत खुश हो जाते हैं बच्चे जब वो मोगली देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है चौथा हमारा है कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क कुषाण शासक के वंश में और इसमें जो अध्यक्ष था इसका वो था वसुमित्र और उसका जो उपाध्यक्ष था वो था अश्वघोष। तो इसमें ऐसी कोई खास ट्रिक तो हमें नहीं मिली, वैसे मैं जो याद करता हूँ मतलब शुरू में करता था तो वो ऐसा है कि जैसे एक बार यूपीएससी के टॉपर थे कनिष्क कटारिया, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ जो है वो उनकी मित्र यानी गर्लफ्रेंड का है, तो ये उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो उससे आप थोड़ा सा ऐसे याद कर सकते हैं कि वो कनिष्क कटारिया वो जो है उनकी मित्र की वजह से और ये उन्होंने स्वघोष किया था, मतलब कोई उनसे पूछा नहीं था वो खुद ही से अपना बताने लगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी भी चीज़ है, इसको आप पॉजिटिव नोट पे ले सकते हैं कि कोई फ्रेंड आपके सक्सेस में कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। खैर वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर देखिए कि कनिष्क के समय पर उनकी जो मित्र थी उन्होंने बहुत हेल्प की तो इससे आप वसुमित्र बना सकते हैं और अश्वघोष यानी ये स्वघोष करके इन्होंने, बस ये आपको ध्यान रखना है कि अश्वघोष जो है वो उपाध्यक्ष थे तो ऑब्वियसली इनके लिए मित्र ही पहले है तो इसलिए अध्यक्ष जो है इन्होंने मित्र को ही बनाया यानी वसुमित्र को ही बनाया। ये हमारी आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने बौद्ध संगीत से रिलेटेड जो भी शॉर्ट ट्रिक हो सकती थी उसको जबरदस्ती की शॉर्ट ट्रिक कहिए या जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक कहिए वो आपके ऊपर है, पर कुल मिला के हमें नंबर लाना है, परीक्षा में प्रश्न सॉल्व करना है, तो उस लिहाज से हमने इसको बनाने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगेगा। चलिए आज की क्लास यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।